चाहे कितनी गर्मी पड़ जाए पर कोई किसी को चाय पीने से कैसे रोक सकता है। आजकल की मॉडर्न लाइफस्टाइल में ज्यादा चाय पीने से चेहरे पर एजिंग दिखने लगती है, साथ ही माना जाता है कि चेहरे पर झुर्रियां भी साफ दिखाई देती हैं। ऐसा मैं नहीं, ऐसा एक्सपर्ट्स का कहना है। भारत देश में चाय पीने की लत काफी लोगों को होती है। आजकल की मॉडर्न लाइफस्टाइल में लोग इसलिए ज्यादा चाय पीते हैं ताकि वो लंबे वक्त तक रिफ्रेश रह सके, एनर्जेटिक बने रह सके और अपनी नींद को दूर भगा सके। पर क्या आप जानते हैं कि चाय पीने से आपको काफी ज्यादा नुकसान भी होता है? आज बात करते हैं थोड़े उन नुकसान के बारे में। सबसे पहला, आप डिहाइड्रेटेड भी फील करते हैं। काफी लोगों को लगता है कि वो पानी ना पीकर चाय पी लें जिससे उनका थोड़ा पेट भी भर जाएगा और वो रिफ्रेशिंग फील करेंगे। पर आपको बता दें, ब्लैक और ग्रीन टी कैफीन से भरपूर होती है जिसकी वजह से चाय पीने से ज्यादा टॉयलेट जाना पड़ता है, क्योंकि चाय पीने के बाद लोग काफी देर तक पानी नहीं पीते हैं, इसलिए बार बार टॉयलेट की समस्या होती है। शरीर डिहाइड्रेटेड रहता है और इसी वजह से आपकी स्किन ड्राई भी होने लगती है। कुछ लोगों की आदत होती है कि वो किसी भी टाइम चाय पी सकते हैं। कुछ लोग तो पूरे दिन में एक या दो बार चाय पीते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो दिन में 5 से 6 कप चाय के पी जाते हैं। ऐसे में उन लोगों को उम्र से पहले ही झुर्रियां पड़ सकती हैं। सिर्फ झुर्रियां ही नहीं, चाय पीने से आपका वजन भी बढ़ सकता है। कुछ लोग नमकीन के साथ चाय पीने लगते हैं जिससे उनके वजन बढ़ने की दिक्कत हो सकती है। साथ ही साथ ब्लड में शुगर लेवल्स भी बढ़ने लगते हैं जिसकी वजह से स्किन पर इसके साइड इफेक्ट्स दिखने लगते हैं। रिजल्ट ये होता है कि एजिंग की दिक्कत शुरू हो जाती है। आप कोशिश करें कि आप गुड़ वाली चाय पी रहे हैं या आप ग्रीन टी को भी अपना एक ऑप्शन बना सकते हैं।